আকাশ যখনই গেস্ট আসে তখন যে জিনিসটা চাই সেটা আমরা স্যারের সাথে সাথে তারিখে 10 মিনিট অপেক্ষা করি। अभी देखो कैसा दिख रहा है, शाम हो चुकी है। माहिबा वाह माहिबा, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। तो जी आज आप लोगों से शेयर करेंगे बांग्लादेश का टाइटैनिक शिप, और ऐसा शिप आप लोगों ने शायद कभी देखा हो। इतना खूबसूरत, आलीशान, लग्जरियस, फैंसी किस्म का शिप, रॉयल शिप कहूँगी मैं इसको। और ये बेसिकली प्रिंस अलॉट 10 लॉन्च है बांग्लादेश का, जिसको जी इंडियन व्लॉगर है उनकी जानिब से विज़िट किया गया है। अब ये चूँकि मैंने भी नहीं देखा हुआ और ये भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो लेट्स सी इनका क्या रिएक्शन है। बिकॉज ऑलरेडी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये देखें, सो आई थॉट कि ये देखते हैं आज आप लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश की काफ़ी सारी प्लेसेस जो हैं वो मैं देख चुकी हूँ। सो आप देखेंगे बांग्लादेश का ये टाइटैनिक शिप। बांग्लादेश शिप्स में यार बहुत जो है ना महारत हासिल कर चुका है। अब बांग्लादेश के लिए कोई भी शिप बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बांग्लादेश आलीशान किस्म के शिप्स इसलिए तैयार कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो देखते हैं किस तरह का शिप है ये, और इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और ये जो इंडियन व्लॉगर हैं क्या कह रहे हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जी लाजमी लाइक कर दिया करें। आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। सो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ओके लेट्स सी। अच्छा ये अब आ चुके हैं शिप के एकदम टॉप में। ये शिप 3 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर छोड़ के। तो यहाँ से मुझे जो व्यू दिख रहा है और मतलब अभी सनसेट होने वाला है, फ्लोर का और यहाँ से व्यू देखो लाजवाब। ये है बूढ़ी गंगा रिवर, जहाँ पहले दिन मैं यहाँ पे आया था वहाँ पे थोड़ा बोट राइड किया था, तो ही बूढ़ी गंगा रिवर है ये। और इस तरफ का नज़ारा देखो बहुत ही सुंदर। बूढ़ी गंगा मीन्स आपको समझाया था मैंने, बूढ़ी मीन्स कितने सारे शिप्स आसपास में। मुझे लगा था शिप खाली होगा लेकिन ऐसा नहीं है, सभी शिप में बुकिंग फुल है। मुझे भी जैसे यहाँ पे टिकट, मुझे भी यहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था तो सिंगल रूम लेना पड़ा मुझे। ट्रेन जैसे शिप भी पूरा फुल रहता है। ओहो ओके। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में हम लोग जैसे शिप में उतना जाते आते नहीं है, शिप में या बोट में उतना जाते आते नहीं है, लेकिन बांग्लादेश आके आपको बहुत शिप या नाव ऐसे करके आप लोग कहीं भी जा सकते हो। कुछ लड़कों से मैं मिला, ढाका में रहते ये लोग, तो शाहीन है, इमोन, आकाश सबाई ढाकाते ही। एखन कि बरिशाल की करते घूरते बरिशाल हमें घूरते जा चुका है। जैसे यहाँ पे चिकन 6 पीस 200 रुपए, और ये जैसे चिकन लॉलीपॉप 6 पीस 200 रुपए, आई मीन 200 टाका सॉरी। ये है चिकन फ्राई 1 पीस 100 टाका। फ्राइड चिकन, बर्गर, चिकन, चिकन के बहुत सारे आइटम्स हैं विद कोल्ड ड्रिंक्स है, फिर कॉफ़ी शेक है, लस्सी है, मिल्क से कॉफी, सब कुछ है ना इसमें, हर चीज आपको मिलेगी। फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स। शिप के अंदर ये बहुत ही सुंदर कैफे है, मुझे अच्छा लगा ये कैफे, बहुत ही वेल डेकोरेटेड और एसी कैफे है। जो भी जाए আজ বে আরো 10-20 মিনিটের ভিতরে আমরা থেকে, আর যখন এই গেস্ট আসে তখন যে জিনিসটা চাই সেটা আমরা স্যারের সাথে সাথে তারিখে 10 মিনিট অপেক্ষা করি। মানে ফ্রেশ জিনিস, ফ্রেশ আমাদের বাসে জিনিস থাকে না, প্রতিদিন এটা প্রতিদিন আমাদের একদম পিওর ফ্রেশ। তো ये बहुत ही सब कुछ फ्रेश है, मांगो तो बहुत ही फ्रेश 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा खाना, बहुत ही फ्रेश। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेश अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। ओके जी सेट मेनू आसे, चिली चिकन सेट मेनू, फ्राई चिकन सेट मेनू, लॉलीपॉप सेट मेनू, प्लस
चिकन चाउमिन আছে ভাই সব চাউমিন দিয়ে আপনার ফালুদা ওরিও মিছে কিটক্যাট নিউটেলা স্ট্রবেরি ফুলকপি লাচ্ছি আদা চিকেন বল চিকেন অন এভরিথিং তারপর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এটা আমাদের চিকেন ললি চিকেন উইংস চিকেন চিজ বার্গার অনেক অনেক আইটেম অনেক আমাদের 20 থেকে 22 টা আইটেম আছে 22 টা এটা আমাদের নিজেরই আমরা এখানে তৈরি করি আচ্ছা আচ্ছা সব আমার এখানে তৈরি হয় সব একদম পিওর ইয়া প্রতিদিন একটা প্রতিদিন ফ্রেশ একদম ফ্রেশ ফ্রেশ আমার চ্যানেলের নাম উজ্জ্বল ব্যাকপ্যাকার আমি ইন্ডিয়া থেকে अभी देखो बहुत देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी शाम होने वाली है लगभग ब्यूटीफुल है यार इससे पहले मैंने कुछ देखे हैं तो ये उनसे भी ऊपर के लेवल का One week ago, ten days. 10 days. Okay. Wow. Full fancy mall है यार. तो ये है actually first floor. मैं ब्लॉगर में काम कर रहा हूँ. पानी की खेगो नहीं. Wow. इतनी मोर सब कुछ. Shiny, shiny, सब कुछ. तो ये रहा first floor. Oh, amazing. कितना प्यारा लाइक इसका जो इंटीरियर है ना वो कमाल है सुपर से भी ऊपर का लाइट्स और डेकोरेशन फर्स्ट फ्लोर में जो भी रूम्स है सब नॉन एसी रूम है फिर भी बहुत ही सुंदर है वाओ यार और मेरा जो रूम है वो है सेकंड फ्लोर में सेकेंड फ्लोर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते से गया सेवंथ फ्लोर और कहाँ पे सीढ़ियां मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये रहा वॉशरूम कितनी ज़्यादा फ्लोर बने हुई है और एक फ्लोर में वॉशरूम है तो फाइनली ये मिला है सेकेंड फ्लोर में जाने के लिए ये रहा जैसे बिल्कुल रॉयल टाइप बना हुआ है नो डाउट यार प्रिंसेस का नाम होना चाहिए था प्रिंस और लॉर्ड ऐसे नहीं चल रहा था और मतलब उस टाइम पर सिर्फ पॉन्ड नहीं था तो ये रहा मेरा रूम AC रूम ये रहा मेरा रूम AC तो चल रहा है अभी वाह यार रख देते तो मजे का है यार ये या बिल्कुल सोए सोए पहुंच जाए अपनी डेस्टिनेशन लेकिन यहाँ पे शायद जल गया सारे जला दिया ओ अभी देखो ये रहा फैन भी चलने लगा तो अमेजिंग वाओ यार इंटीरियर इनका तो, जो है ना बहुत ज्यादा एसी है यहाँ पे एक टीवी है और ये जो बैकग्राउंड है वाओ बहुत ही खूबसूरत लाइट फैन ये मिरर ये है बिस्तर ये है तकिया ये है कंबल नाइस बहुत ही अच्छा रूम है यहाँ पे ड्रायर भी है सिगरेट एस्ट्रे पानी का बोतल चप्पल और ये ग्लास मुझे बिलीव नहीं हो रहा है लोग यहाँ नीचे भी सोए हुए हैं लोग नीचे भी है इस साइड भी है पहले मैंने ये देखा नहीं था अभी थोड़ा रात हो चुकी है तो लोग यहाँ नीचे आ गए हैं सोने के लिए अभी देखो कैसा दिख रहा है शाम हो चुकी है जो डेक एरिया था पूरा भर्ती हो चुका है इस टाइम पे अभी कितना खूबसूरत लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है बहुत लोडेड है फुली लोडेड है
अच्छा ऐसे ही व्यू लग रहा है जैसे कोई दुबई का व्यू होता है, दुबई सी का, दुबई फोर्ट जो है उसका जैसे व्यू है ना, सेम है इसका भी। डिनर के लिए पूछने, डिनर में क्या क्या खाएंगे? तो मैंने ऑर्डर किया है एक राइस और चिकन, और अंसारी के लिए एक राइस और फिश। तो ये एक टेबल लेके आया है और खाना अभी आ रहा है। लोगों ने देखी है ये प्रिंस शिप, टाइटैनिक शिप है बांग्लादेश का, और लाइक इससे पहले मैंने जो देखा है उससे भी यार आला क्लास का ये शिप है कि लाइक सोच होगी किसी की कि इसके अंदर हर लाइक लग्जरी की आपकी हर एक चीज़ मौजूद है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इसमें ना हो। और इसका इंटीरियर, इसके जो रूम्स हैं वेल डेकोरेटेड, लाइक आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी होटल में दाखिल हो गए। और यहाँ पे लाइक इतनी सारी फ्लोर्स हैं, लाइक 7 फ्लोर्स का ये शिप, और बहुत ज़्यादा यार भरा है, लाइक टू मच भरा और लोडेड काफ़ी ज़्यादा था। सो ये चीज़ सारों से सेफ्टी जो है ना वो इसमें लाइक बेस्ट हो तो फिर सब कुछ बेस्ट है। आई डोंट नो इसमें सेफ्टी का क्या सीन है, लेकिन अगर इतना अच्छा बनाया तो जाहिर सी बात है इसमें कोई सेफ्टी की चीज़ें भी होंगी, सेफ्टी के रूल्स को भी फॉलो किया होगा। बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने इसमें ट्रैवल किया या नहीं किया आप लोगों ने लास्ट में बताना है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी आप लोगों ने लास्ट में लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लास्ट में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।